प्रकृति की सबसे अनुपम कृति है मनुष्य, और मनुष्य का अलंकार है मानवता, दया, प्रेम व सेवा। इन सभी मानवीय गुणों का इस धरती पर एक साकार रूप देखने को मिलता है हेमलकसा में। पिता बाबा आमटे की प्रेरणा से डॉक्टर प्रकाश आमटे के द्वारा सन 1973 में लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की गई। प्रकृति प्रेम का एक उत्कृष्ट पर्याय बन चुके डॉक्टर आमटे जब खतरनाक जंगली जानवरों से रूबरू होते हैं तो अनायास ही देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, किंतु अगला ही क्षण आश्चर्यजनक रूप से आनंद की अनुभूति देता है जब खतरनाक और आदमखोर कहे जाने वाले जानवर मित्रवत डॉक्टर आमटे के इर्द गिर्द अटखेलियां करते नजर आते हैं। अनाथ एवं भटके हुए जंगली जानवरों के पालन पोषण के लिए प्राणी अनाथालय की स्थापना की गई। यहां रहने वाले प्राणियों की घर के सदस्यों की तरह देखभाल की जाती है। पूर्व सूचना देकर आने वाले आगंतुकों के ठहरने एवं भोजन की समुचित निःशुल्क व्यवस्था प्रकल्प के द्वारा की जाती है। मैं सचिन मुकार, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में पीआरओ का काम देखता हूँ। प्रोजेक्ट में स्कूल, अस्पताल है, साथ में एनिमल ऑर्फनेज है। अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, आने के पहले फोन करके आए, यानी एक दिन की रुकने की व्यवस्था हम कर पाते हैं। अपनी सच्ची मानव सेवा व प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर चुके आमटे दंपत्ति व उनका पूरा परिवार अपनी श्रेष्ठ मानवता के लिए सैकड़ों बार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। और फिर जानवरों का जो है मेरा रिश्ता, ये मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देके गया। जिसको लोग बहुत ज़्यादा क्रूर कहते हैं, जैसे में तेंदुआ है, भालू है, सांप है, विषैले सांप होते हैं, मगरमच्छ है, लेकिन सभी के साथ में जो रिश्ता है हमारे फैमिली का, कि वो फैमिली मेंबर बन गए, अपने अपने बच्चे जैसे यहाँ पाले गए। यदि हरदम बोलता हूँ, यदि मैं अस्पताल और स्कूल का काम नहीं रहता तो ये जंगल में मेरे साथ में पूरे जानवर इकट्ठा खुले में घूम सकते थे। मतलब तो आपस में यदि उनको आपने खाना दिया तो वो खाने के लिए झगड़ा नहीं करते, उसमें दुश्मनी भूल जाते। मानव का मानव के प्रति तथा प्रकृति जन्य समस्त चराचर से प्रेम बोलने में जितना सरल है, आत्मसात करने में
उतना ही असाध्य। शायद ये हमारा सौभाग्य ही है कि आमटे दंपत्ति के रूप में हमें इसका साक्षात्कार मिला। हम उनकी सच्ची सेवा भावना को सलाम करते हैं।